canal, canal. सात आठ दाने हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि दरिया सिंध से जो सोना निकलता है और ये बहुत आसान तरीका है और काफ़ी लोग इससे अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं दरिया सिंध पे पहुँच चुका हूँ और ये देखें छोटी सी कश्ती और ये इस भाई को देखें माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनकी मेहनत में बरकत डालेगा। दोस्तों जब मैंने इनसे पुश्तों में पूछा कि आप ये काम करते हैं कोई और मज़दूरी क्यों नहीं करते, तो कहते हैं कि क्या करें मज़दूरी है नहीं, पाकिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और क्या करें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इंसान ख़ुद तो गुजारा कर लेता है लेकिन बच्चों का पेट पालना और ये बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसमें थोड़ी अच्छी बचत हो जाती है जिसकी वजह से करते हैं। हालाँकि ये अलाउ नहीं है हुकूमत की तरफ से और ये देखें ये अभी उधर से इन्होंने रेत और पत्थर लाए और ये भाई इधर से अभी इस पे पानी डालेंगे। नीचे इन्होंने एक रेगमाल टाइप एक कालीन बिछाई हुई है, उससे फिर उस जो सोने के ज़रे होते हैं वो फंस जाते हैं इस रेगमाल में, ये जो नीचे बिछी हुई है, और बाकी पत्थर और रेत वगैरह ये फेंक देते हैं और ख़ुद भी इससे गिर जाती है। ये देखें ये चेक करें, और ये सख्त सर्दी का मौसम है और पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा है क्योंकि डब बने हुए हैं, पानी रुका हुआ है। डब हम उसको कहते हैं जो पानी रुक जाता है गुज़रता नहीं है, तो वो सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, बर्फ़ हो जाती है। और ये दो भाई अभी ले के आ रहे हैं ये इधर से और फिर इधर ये इसके ऊपर गिरा देते हैं। और इस भाई को देखें ये अभी जो उसमें उस रेगमाल में जो कालीन बिछी हुई थी उसमें ये रेत थी और इसमें सोने के ज़रे होते हैं। तकरीबन इसमें 8-10 ज़रे हुए, तो अल्लाह करेगा इनकी दिहाड़ी निकल आएगी और इससे ज़्यादा भी होंगे। ये तो फ़िलहाल अभी दोपहर का टाइम है, 12 बजे हैं। ऐसा होता है कि इनको 8-8, 10-10 हज़ार रुपये दिहाड़ी भी बच जाती है और 500 से 1000 रुपये भी बच जाती है, ये किस्मत की बात है। एक ही है नहीं, तकरीबन 7-8 दाने हैं माशाल्लाह। ये तकरीबन दिन में कितने हो जाएं तो दिहाड़ी निकल आती है, कितने ज़रे हो जाएं तो? ये तो कफ़े में निकलते हैं, वहाँ पे दाम मिली के हिसाब से निकलते हैं ना, 200-300 मिली एक। अच्छा, कफ़े में निकल जाते हैं।